हाय बच्चों, पिछले दिनों में काफ़ी ये मैसेजेस आए कि मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली, VMMC, MAMC मिल सकता है कि नहीं। मुझे लगता है कि ये एक वो सिचुएशन आ गई है जहां आपको कॉलेज का नाम तो सोचना ही नहीं चाहिए, आपको इतना एफर्ट डाल देना चाहिए कि आपको अपनी स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि 200-300 मार्क्स आपको अभी से एक महीने की मेहनत में एक बहुत अच्छा आपके स्टेट के हिसाब से कॉलेज ज़रूर दिलवा पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ तीन चीज़ें ध्यान रखनी होंगी बच्चों। मैं बार बार देख रहा हूँ कि गिने चुने बच्चे हैं यूट्यूब के सारे प्लेटफॉर्म्स पे भाग रहे हैं, ये टीचर ये पढ़ा रहा है, वो टीचर वो पढ़ा रहा है, ये टीचर, आप टीचर्स की असेसमेंट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। यहाँ आपकी असेसमेंट की बारी है। आप एक टीचर से पढ़ो और सेल्फ स्टडी करो, एक टीचर से एक टॉपिक पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। इससे आपको आपका स्टेट ड्रीम कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। अभी के एफर्ट का टाइम सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, टीचर्स की असेसमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम टीचर्स ने नहीं लिखना, एग्ज़ाम्स आपने लिखने हैं। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। 250, 300, 400 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सीधा एम्स दिल्ली का विचार बना के डीमोटिवेट या मोटिवेट ना हो, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचने तक का कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक टू रहिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। कीप वर्किंग हार्ड, द टीम इज़ देयर विद यू। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय।